केवल ज्ञान कल्याणक का दिवस था, समव शरण की रचना बनी हुई थी और चतुर्विध संघ उसके अंदर विराजमान था। तो भव्यात्माओं, उस समय पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी जो पहले से भी, जब से इन्होंने दीक्षा ली तब से ही पूरे संघ के अंदर गणनी जैसा ही कार्य हमेशा करती रहीं, जिम्मेदारियों का, दायित्व का निर्वाह करती रहीं। लेकिन एक औपचारिकता के वश उस दिन जम्बूद्वीप की धरा पर इन्हें गणनी पद से अलंकृत किया गया था। ऐसी पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी के आज पदारोहण दिवस पर हम सब उनके चरणों में नतमस्तक हैं। हृदय सुमति वचने सुमति स्वप्ने सुमति श्रुत श्रद्धानम गमने ज्ञानम वदने ज्ञानम श्रुत सार सुधाम विज्ञानम श्रुत सार सुधाम विज्ञानम मनसि ज्ञानम वचसि ज्ञानम। ज्ञान ही ज्ञान जिनके अंदर भरा हुआ है, मन में भी ज्ञान, वचन में भी ज्ञान, हृदय के अंदर भी ज्ञान और स्वप्न में भी ज्ञान, अभ्यास की बात। पार्श्वनाथ भगवान की जय, कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय, जम्बूद्वीप हसनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय, श्रीमन्ना मृसुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केन्दवा प्रवचनाम बोधीन दवा साय नाहा, ये सर्वे जिन सिद्धि सुवर्णगता से पाठ कह साधवा सुत्या योग जन शबंध गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतराग प्रभु आहाराभ्य सद सावधान दत्तावधाना खंडी स्फुटित जीर्ण जीन चैत्यालोधारीराणाम यात्रा प्रतिषादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सास्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानाम निधिकुल कमल विकास निधिकुल कमल पद विकासनाम श्रीमूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है। आज जम्बूद्वीप हसनापुर का ये बहुत ही पवित्र पावन ऐतिहासिक दिन है। सन 1985 में आज के दिन यानी बैसाख शुक्ला द्वादशी के दिन जम्बूद्वीप के समस्त प्रतिमाओं का ऐतिहासिक बहुत बड़ा विशाल राष्ट्रीय स्तर पर पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। बैसाख शुक्ला सप्तमी से लेकर बैसाख शुक्ला द्वादशी तक यहाँ पर पंत कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुआ था। आज 37 वर्ष व्यतीत होने के बाद उन समस्त भगवान के मस्तक पर यहाँ पर अभिषेक करके और हम सब लोग सन 1985 के आज के दिन यानी बैसाख शुक्ला द्वादशी तिथि के अनुसार इस दिवस को हम लोग याद कर रहे हैं और करते हैं सुमेरु पर्वत के भगवान का अभिषेक, गजदंत के भगवंतों का अभिषेक और बक्षार पर्वत के दो भगवान का अभिषेक। प्रतीक रूप में सभी भगवान का अभिषेक होगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पर बक्षार पर्वत के भगवान, गजदंत पर्वत के भगवान और सुमेरु पर्वत के भगवान, ऐसे कुछ भगवंतों की प्रतिमाओं का अभिषेक देखने को प्राप्त हो रहा है। आप दूर दूर बैठ करके चाहे जिस प्रांत में बैठे हैं, घर में पारस चैनल खोल करके ये नज़ारा, ये दृश्य, ये अकृत्रिम चैत्यालयों का दृश्य जो पहली बार इस धरती पर पूज्य माता जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ था, 1985 का आज का ही दिन था, इसलिए हम सब लोग जम्बूद्वीप के प्रांगण में जम्बूद्वीप के समक्ष गेट के पास बैठे हैं और यहीं से आपको अभिषेक दिखा रहे हैं। और अभी जैसे कि पंच कल्याण के समापन में भी रथ यात्रा निकलती है तो यहाँ पर ऐरावत हाथी की यात्रा भी निकाली गई, उसका दृश्य भी आप देखें। और इसके साथ अकृत्रिम जिन भगवंतों का ये जन्माभिषेक
ये भगवान का अभिषेक, पवित्र अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त करें। यह आपको देखने को प्राप्त हो रहा है जन्माभिषेक की शोभा यात्रा, ऐरावत हाथी यात्रा, और उसके बाद भगवान का अभिषेक। हमारे बीच में आज श्री सुनील जैन सराफ मेरठ, श्री मनोज कुमार जैन मेरठ, श्री राकेश कुमार जैन मेरठ विशेषकर पधारे हैं। यह हमारी संस्थान के पदाधिकारी हैं, और जो भी यात्रीगण, जो भी यहाँ पर स्टाफ के लोग हैं, सभी लोग मिल करके इस महोत्सव को, यानी आज 38वां जम्बूद्वीप का प्रतिष्ठापना दिवस है। तो अब हम सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं मं तं तं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते जले नप्येज्यामि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई, चरसु दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गान बाव कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम नृपपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष और स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मन वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं मं तं तं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरसु दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्यते रस इक चुका है। हे नाथ याप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन तिजक कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं मं तं तं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरसु दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं नृपपामि ते स्वाहा। गताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर ये ग्रह तृप्तकारी, संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं मं तं तं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरस दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं नृपपामि ते स्वाहा। दूत का कलश, दूत के कलश से अभिषेक। पूर्णांश सांग की किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूं। ये आपको सुमेरु पर्वत के भगवान का दृश्य दिख रहा है, और अभी आपको बक्षार पर्वत का दृश्य दिखा था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं मं तं तं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरस दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रह जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं नृपपामि ते स्वाहा। दही, दही से अभिषेक। जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई, क्या छीरो दधी पे हुआ बर्फसमी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में इंद्र सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं मं तं तं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरस दीप सुदूप फलार की कई, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं नृपामि ते स्वाहा। सर्व औषधि से अभिषेक। एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वसु मिलाए करके, सर्व औषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं मं तं तं पं जं जं जीं जीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमो रते भगवते श्रीमते सर्व औषधि अभिषेकं करोमि, नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कही रसुदीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊ शीघ्र निजकेशु चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करो मी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरसु दीप सुदूप फलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि पुष्प वृष्टि ओम रीम पुष्प वृष्टि करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकं तो विभोरोतारयामि इति मंगल आरती ओरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बुसे निति करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्ण कलशे नपसेच्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फुलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। ये हुआ पंचामृत अभिषेक। हमारे यहाँ पर जम्बूद्वीप रचना के अंदर 78 अकृत्रिम चैताले देव भवन समोसरण और पर्वतों के ऊपर भगवान की प्रतिमाएँ सब मिलाकर के 243 प्रतिमाएँ इस जम्बूद्वीप रचना के अंदर विराजमान है। उन सभी के मस्तक पर आप यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। प्रतीक रूप में पांच भगवान का अभिषेक आपने देखा है और अभी 243 भगवान के चरणों में अर्घ्य समर्पण का यहाँ पर जम्बूद्वीप रचना मंडल विधान भी प्रारंभ होगा। उसके पूर्व महाशांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रसिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपदो विनाशाय सर्व श्याम नाम विनाशाय ओम राम रीम रूम ओम राशौच नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अस्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नामका निकुंद बिहार जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन टी एम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदाद जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुष जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी बसनापुर श्रीमती आरती जैन प्रसन्नदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती सुधी अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगीतुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जैन सिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समत पदाधिकारी जैन धन प्रबंधी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समत पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार, आशुतोष निषाद सिद्धिका विनायका प्रभात सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान, गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी, चांदनी अफ सिख पाडोजी शिवांगी सौरभ छावड़ा अध्यक्ष महारा आरम शरणिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी एसाहिना माही पुण्या चार बीबी अफवाद परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभा संजय जैन अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बीके जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था अर्चित जैन पी के जैन सुषमा जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अबरल सोनल जिन्हें नदी जैन गढ़ डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य बसम्यक बख्शी परिवार मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य आभार प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षित मुदित हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्य लाभार्थ बादशाहपुर, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन चिचित प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना जैन श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सियां श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्री सुनील जैन सराफ श्रीमती मीनाक्षी जैन मेरठ उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्रीमती सुषमा राकेश जैन मेरठ निवासी परिवार से श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्रवधू डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार उत्तराखंड निवासी परिवार से श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अस्यान्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मधुर जैन सुभी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार अग्रवाल सपरवाल लाडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेन्द्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पास महेंद्र धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता सोगानी श्री प्रियतम मयूरी ऋषभ सुरेश आदित्य प्रीति नीला सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी श्री सर्वेश माया सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम, श्री प्रफुल्ल जैन पाटनी संजय जैन पाटनी नवापारा राजिम छत्तीसगढ़, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी खुशाक लवणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका जैन हृदय जैन लुनियावास वाले शिलांग मेघालय, श्री राजमल संघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला संघवी श्री अजित मधु संजय नीलम साहिल सलोनी ध्रुवसिमरन कांदीवली मुंबई निवासी परिवार से श्री पटवारी श्री मुन्नालाल जी जैन मारोरा की सोल में पुण्य स्मृति में श्रीमती चंदनबाई जी इंजीनियर शोभित पलक जैन आयुष्मती सुचि संकेत जैन संयम जैन संजय प्रीति मारोरा बरेली एवं मारोरा परिवार सपरिवार से श्री शांति कुमार जैन पांडे शीघ्र विवाह हेतु सपरिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म
सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व काम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मोहम सर्व लाभम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गर्भयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर सर्व चतु चक्रिका दुर्घटना वयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना वयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना वयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक वयम सर्व विषाक्त वार्षिक क्षण वयम सर्व विद्युत दुर्घटना वयम सर्व भूकंप दुर्घटना वयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकनी साकिन्यादि वयम सर्व धनादि वयम सर्व व्यापार हानि वयम सर्व राज वयम सर्व चोर वयम सर्व दुष्ट वयम सर्व शत्रु वयम सर्व शोक वयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रहभयम सर्व दुःखम सर्व पापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति भी राज भी वर्मान अमानग्र से महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवंतु। ओम रीम श्रीम क्लीम वरमाद्या नमादे जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बुदी भस्नापुति क्षेत्र भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे भगवान जम्बुदीप प्रतिष्ठा जम्बुदीप रचना समस्त भगवान के प्रतिष्ठापना महोत्सव शुभ अवसर विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्का श्राव सौकाणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तन स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदूर शांति मना समाधि धर्म शुक्ल ध्यान सुयसाग्यम अभिमतम आरोग्यम सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले अनकुले कदली घात मणम घाते घाते आयुत रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम रीम श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु रीम नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन दिन मृतमाया मत्स्यकोपरी शांधाराम कर चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु। कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। जय बोलिए जम्बुदीप के 243 जिन प्रतिमाओं की जय। हसनापुर में जन्म लेने वाले शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा आपसे कम करोमी अर्घ्यम निरूपामी ती स्वाहा। अब होगा जम्बुदीप जिन प्रतिमा मंडल विधान उसके पूर्व गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वचन पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन होगा और उसके बाद जम्बुदीप स्थल पर इस जम्बुदीप रचना के अंदर 243 भगवान विराजमान हैं जिसमें 78 अकृत्रिम चैताले हैं और उसके अलावा देव भवन समोषण आदि के भगवान की प्रतिमाएं हैं। कुल मिलाकर 243 भगवान यहाँ पर जम्बुदीप रचना के अंदर विराजमान है। उनका मंडल विधान अभी यहाँ पर होगा सभी के चरणों में यहाँ पर अर्घ्य समर्पित होगा और सभी को ध्यान देना है कि जैसा कि मैंने बताया आज जम्बुदीप रचना का प्रतिष्ठापना महोत्सव दिवस है। आज से 37 साल पूर्व सन 1985 में यहाँ पर बहुत विशाल स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न हुआ था। ज्ञान ज्योति का भ्रमण 3 साल तक चला और उसके बाद सारे देश से हर नगर के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होकर के हजारों की संख्या में इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर के और बहुत शानदार ढंग से इसके पंच कल्याण को संपन्न किया था। आज उसका स्मृति दिवस है स्थापना दिवस है तो आज 38वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर
पूजगणी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में ही वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर संपन्न हुआ था। आज हम सभी को गौरव है कि पूज्य माता जी के सानिध्य में हम 38वां प्रतिष्ठापना महोत्सव दिवस आप सबको यहाँ पर आप से के द्वारा मंडल विधान के द्वारा माता जी के आशीर्वचन के द्वारा आपको घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप घर में देख रहे हैं, घर में सब लोग भावना करें कि ऐसी जम्बूदीप की रचना जो स्वर्ग के समान सुंदर है, इसके दर्शन के लिए और मौका लगे दो चार पाँच दिन यहाँ पर ठहरने के लिए आएँ और यहाँ का शुद्ध जलवायु शुद्ध पानी का अनुभव लें। बहुत सुंदर वातावरण है। अब पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन और ध्यान रखना है 15 जून से 30 जून भूलिए मत। मांगीतुंगी में महामस्तिकाभिषेक 6 वर्षीय पहली बार होगा 6 वर्षीय महामस्तिकाभिषेक, क्योंकि प्रतिमा बनने के बाद सन 2016 में महामस्तिकाभिषेक हुआ था और उसके बाद प्रथम बार पूज्य माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य माता जी के वर्चुअल सानिध्य से और अनेक संतों के वर्चुअल आशीर्वाद से, हम सभी संतों का वर्चुअल आशीर्वाद लेकर के आपको पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन दिखाएंगे और आप सभी संतों के दर्शन उनके आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे 15 जून से 30 जून तक। और जो लोग साक्षात आकर के भगवान के मस्तक पर, सबसे बड़े भगवान के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य लेंगे, जीवन भर ये क्षण उनको याद आने वाले हैं, स्मृति में आने वाले हैं। इसलिए आप जरूर अपने रिजर्वेशन करा के अपने आने की सूचना दे करके अपने आने की सूचना जरूर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, आज प्रतिष्ठापना दिवस पर, जम्बूद्वीप के प्रतिष्ठापना दिवस पर विधिनायक भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीम श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। आज जो तीन मूर्ति मंदिर विराजमान भरत स्वामी, उनका भी प्रतिष्ठापना दिवस है। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी ने सिद्ध परमेश ने नमः। अब जम्बूद्वीप की प्रतिमाओं का नमन करेंगे। ओम ह्रीम श्री जम्बूद्वीप संबंधी। ओम ह्रीम श्री जम्बूद्वीप संबंधी। द्विशत त्रिचत्वारिंशत् जिन प्रतिमाभ्यो नमः। द्विशत त्रिचत्वारिंशत् जिन प्रतिमाभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश ने नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश ने नमः। भव्यात्मा, यहाँ इस जम्बूद्वीप में 78 अकृतन जिन प्रतिमाओं के प्रतीक में 78 जिन मंदिर और उनके एक एक प्रतिमाएँ और 137 देव भवन है उनके जिन मंदिर की जिन प्रतिमाएँ एक एक और समोसरण के प्रतीक में 6 गंधकुटी हैं उनकी चतुर्मुखी जिन प्रतिमाएँ 4-4 ऐसी 24 और पांडुक शिला आदि 4 शिलाएँ हैं पांडुक वन में उनमें अभिषेक को प्राप्त ऐसे 4 तीर्थंकर भगवान उनकी 4 प्रतिमाएँ ऐसे 243 प्रतिमा विराजमान है उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अभी आप ये जम्बूद्वीप जिन प्रतिमा विधान करेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज का दिवस हमारे आपके सबके जीवन में मंगलमयी हो। ये जैन भूगोल की जम्बूद्वीप रचना जो विश्व में यहाँ ही एक दिखाई आपको दिख रही है और ये रचना जब तक, मैं तो कहूँगी जब तक चंद्रमा और सूर्य चंद्रमा आदि विद्वान है इस पृथ्वी पर, अहिंसा परमो धर्म विद्वान है, तब तक ये जिन प्रतिमाएँ संसार में भव्यों को अनंत सुख का संपादन कराती रहें, अनंत पुण्य का संपादन कराती रहें और इसी भावना के साथ जम्बूद्वीप की सभी प्रतिमाओं का नमन करते हुए आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। एक अर्घ्य चढ़ा दीजिए। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजय सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य निकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्य स्वाहा।
पिची का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल से जाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रेम करनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी। जिनकी पावन प्रेरणा से जम्बू जी जिन चैत्य चैत्यालयों की जय। एक बार जोरदार देव दुंदुभी बाजों के प्रतीक में बैंड बाजे की ध्वनि के साथ जम्बूदीप की महा अर्चना पूजा प्रारंभ हो रही। बैंड वाले बैंड बजाइएगा। दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं। चलो जम्बूदीप अतिशय क्षेत्र की जय। बंद कर दीजिएगा बाजा। अब पूजा प्रारंभ करते हैं। पूजा प्रारंभ करते हैं। बैंड वाले बैंड बंद कर दें। चलिएगा जम्बूदीप के अंदर आपको जानना है 243 जिन प्रतिमाएं हैं उनमें से 78 अकृत्रिम चैत्यालय की प्रतीक हैं। सुमेरु पर्वत के 16, 4 गजदंत पर्वतों के, जम्बू सालमली वृक्षों के 2 जिनाले, 16 वक्षार पर्वत के 16 जिनाले, 34 विजार पर्वत के 34 जिनाले, 6 कुलाचल के 6 जिनाले, इस प्रकार 78। बाकी देव भवनों के अंदर ग्रह चैत्यालय के रूप में जो प्रतिमाएं तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों के अंदर वर्णित हैं उसी के अनुसार यहाँ विराजमान की गई हैं। तो आप 243 प्रतिमाओं के प्रतीक में यहाँ पर पूजन करेंगे। प्रारंभ करते हैं हम पूजन। स्थापना के लिए आ जाए कुमारी श्रेया जैन, नैन्सी अंतरा जैन। ओम नमः सिद्धिभ्यः। स्वयं सिद्ध ये द्वीप है जम्बू द्वीप महान, सब द्वीपों में है प्रथम अनुपम रत्न निधान। जम्बू द्वीप रचना यहाँ इसमें जिन वर धाम, जिन प्रतिमा को नमो पाऊं अविचल धाम। इन सब की पूजा करूं आत्म शुद्धि के हेतु, जिन पूजा चिंतामणि मनवांछित फल दे। स्वामी जी मंत्र स्थापना करिए। ओम रीम जम्बूदीप रचना मध्य विराजमान सर्व जिन प्रतिमा समूह अत्रौ तरौ तसंभव षडावाननम। ओम रीम जम्बूदीप रचना मध्य विराजमान सर्व जिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम रीम जम्बूदीप रचना मध्य विराजमान सर्व जिन प्रतिमा समूह अत्र मम सन्नीतो भव वसत सन्निधिकरणम स्थापना। केसरिया केसरिया आज सभी करेंगे केसरिया, केसरिया केसरिया आज सभी करेंगे केसरिया। मेरु केसरिया जम्बू द्वीप केसरिया, मेरु केसरिया जम्बू द्वीप केसरिया, जम्बू द्वीप के भगवंत केसरिया, जम्बू द्वीप के भगवान केसरिया, केसरिया केसरिया आज सभी रंग केसरिया। केसरिया रंगों के साथ सूर्य की प्रथम किरण जिन भगवंतों की मुख का स्पर्श कर रही है और अपने को धन्य समझ रही है, ऐसे सुंदर छवि के साथ स्थापना हुई जम्बूदीप के जिन बिंबों की। अब अष्टक के माध्यम से 8 द्रव्य चढ़ाएंगे जो भव्य भव्यात्मागण पूजन की सामग्री लेकर के बैठे हैं। आपको बराबर जम्बूदीप रचना के खूब सारे मंदिर पूरी रचना के दृश्य भी दिखाए जा रहे हैं। आप अपने घरों से ही जम्बूदीप की पूजा का साक्षात फल भी प्राप्त कर सकते हैं। करिएगा। जल चढ़ाने के लिए आएंगी श्रीमती नीतू जैन, रुचि जैन।
सुर सरिता का उज्जवल जल ले कंचन झारी भर लाया भव भव की तृषा बुझाने को त्रयधारा करने आया हूँ। इस जम्बुद्वीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा इनकी पूजा भक्ति कर लो इनकी अतिशाही है महिमा। ओम रीम जम्बूरी रचना मध्य विराजमान सर्वजिन प्रतिमाभ्या जलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाने के लिए आए अपूर्व जैन आगम जैन। जम्बूद्वीप के ही बालक बालिकाएं और महिलाएं, महिला संगठन की बहनें ये कार्यक्रम संपन्न कर रही हैं। वर अष्ट गंध सुरभि तिले कर तुम चरण चढ़ाने आया हूँ, भव भव संताप मिटाने और समता रस पीने आया हूँ। इस जम्बुद्वीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा इनकी पूजा भक्ति कर लो इनकी अतिशाही है महिमा। जम्बुद्वीप की पूजा करने हो जम्बुद्वीप किया करा करने आए प्रभु के द्वार, स्वयं सिद्ध जिनवर मेरी नैया लगा दो पार, स्वयं सिद्ध जिनवर मेरी नैया लगा दो पार। ओम रीम जम्बुद्वीप रचना मध्य विराजमान सर्वजिन प्रतिमाभ्या संसार का विनाश नाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षत चढ़ाने के लिए श्रीमती सरिता जैन, कुमारी अंतरा जैन आ जाएंगी। जम्बूद्वीप की रचना सा ना देखा कहीं नजारा, जन्म जन्म में पाऊं जिनवर दर्श तुम्हारा, हाँ दर्श तुम्हारा। सस किरणों समय उज्ज्वल तंदुल धोकर थाली भर लाया हूँ, निज आत्म गुण के पुंजे तुये पुंज चढ़ाने आया हूँ। इस जम्बूद्वीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा इनकी पूजा भक्ति कर लो इनकी अतिशाही है महिमा। अक्षत थाल सजा कर लाए हो, अक्षत थाल सजा कर लाए हम सब प्रभु के द्वारा, जन्म जन्म में पाऊं जिनवर दर्श तुम्हारा, हाँ दर्श तुम्हारा। ओम रीम जम्बूद्वीप रचना मध्य विराजमान सर्वजिन प्रतिमाभ्या अक्षय पर प्राप्ति अक्षितम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प लेकर के आ रहे हैं अर्पित जैन बालक। अर्पित जैन आकर के पुष्पों की थाली से भगवान के समक्ष पुष्पांजलि करेंगे। क्या वकील साहब बन के आए हैं, तो भगवान के चरणों में तो सब लोग आते हैं, देश विदेश से और सभी पदों के लोग आकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं। और जम्बूद्वीप रचना के समय यही हुआ था, पूरे देश के जहाँ भक्तगण आए वहीं देश के नेतागण आए। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से जम्बूद्वीप के महोत्सव के अंदर अपने लोगों को, अपने शासन प्रशासन के लोगों को पूरा यहाँ पर लगा करके रखा था, तो इसलिए सब लोग भक्ति कर रहे हैं। कुवले बिलावर माल श्री मचकुंद कमल ले आया हूँ, श्रृंगार हार का मारी जय दिनवर पद भजने आया हूँ। इस जम्बूद्वीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा इनकी पूजा भक्ति कर लो इनकी अतिशाही है महिमा। ओम रीम जम्बूद्वीप रचना मध्य विराजमान सर्वजिन प्रतिमाभ्या कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। जम्बूद्वीप के ही सुंदर बगीचे के अंदर जो खुशबूदार सुगंधित खूब फूल स्वामी जी ने खिलाए हैं, उन्हीं पुष्पों को लेकर के यह पुष्प पूजा संपन्न हुई। अब नैवेद्य चढ़ाने के लिए आ जाएं श्रीमती चंचल जैन, कुमारी श्रेया जैन। मोदक फेनी घीवर ताजे पकवान बना कर लाया हूँ, निज आत्म अनुभव चखने को नैवेद्य चढ़ाने आया हूँ। इस जम्बूद्वीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा इनकी पूजा भक्ति कर लो इनकी अतिशाही है महिमा। ओम रीम जम्बूद्वीप रचना मध्य विराजमान सर्वजिन प्रतिमाभ्या
सुधारूपनाथ ने भी दम रूपामिति स्वाहा। अब दीपक से पूजा करने के लिए आ जाएंगे ऋतु जैन, ऋतु जैन दो, धर्मपत्नी संभव जैन और ऋतु जैन धर्मपत्नी पंडित प्रदीप जी जैन आइए। और धूप से दीप से पूजा करेंगे। दीपक ज्योति के जलते ही अज्ञान अंधेरा भगता है, इस हेतु से दीपक पूजा करते ही ज्ञान चमकता है। इस जम्बु दीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा, इनकी पूजा भक्ति कर लो, इनकी अतिशाई है महिमा। दीप जला कर आरती करके हो, दीप जला कर आरती करके मिटे तिमिर ये सारा, जन्म जन्म में पाऊं जिन वर दर्श तुम्हारा, हाँ दर्श तुम्हारा। ओम रीम जम्बुदीप रचना मध्य मोहन कार्य दीपम निर्वपामी ते स्वाहा। विश्व की पहली जम्बुदीप की रचना, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते थे, और जैन भूगोल की रचना को धरती पर अवतीर्ण करने का, धरती पर साकार करने का यह जो प्रेरक भाव पूज्य ज्ञानमती माता ने प्रस्तुत किया, उनके परम शिष्य श्री मोतीचंद जी जैन जो पीठाधीश शुलक मोती सागर जी बने, और स्वामी रविंद्र कीर्ति जी जो जगत गुरु के रूप में आपके समक्ष सारे कार्यों में प्रमुख स्तंभ बन करके कार्यों को संपन्न करते हैं, इन सब की मेहनत का फल है। और आप सब ने, पूरे देश के दिगंबर जैन समाज ने अर्थांजलि समर्पित करके जैन भूगोल की प्रथम रचना को ला करके धरती पर साकार किया। हस्तिनापुर की धरा पावन हो गई। अब उस रचना के समक्ष धूप खेने के लिए आ जाए नीतू जैन, कल्पना जैन। धूपायन में वर धूप खे, दश दिश में धूम उठे भारी, बहु जन्म जन्म के संचित भी दुख कर सब कर्म जले भारी। इस जम्बु दीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा, इनकी पूजा भक्ति कर लो, इनकी अतिशाई है महिमा। ओम रीम जम्बु दीप रचना मध्य विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या अष्टकर्म देना धूपम निर्वपामीति स्वाहा। आप फल की पूजा, जितने भी फल चढ़ाएं उतना ही कम है, क्योंकि सबको मनवांछित फल प्रदान करने वाली ये सिद्ध प्रतिमाएं न जाने कितनों के जीवन को संकट से उबारा है, और चमत्कार अनेकानेक चमत्कार इस जम्बुदीप रचना की प्रदक्षिणा करने मात्र से भक्तों को मिल जाती हैं। ऐसे 243 जिन बिंबों के चरणों में फल चढ़ाने का पुण्य सब लोग मिल करके प्राप्त कीजिए। भक्तगण आगे आ जाए। वर आम्र बिजोरा नींबू और गन्ना मीठा ले आया हूँ, शिव कांता सत्वर वर ने की बस आशा लेकर आया हूँ। इस जम्बु दीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा, इनकी पूजा भक्ति कर लो, इनकी अतिशाई है महिमा। फल का थाल सजा कर लाए हो, फल का थाल सजा कर लाए जिनवर तेरी द्वार, स्वयं सिद्ध जिनवर मेरी नैया लगा दो पार, स्वयं सिद्ध जिनवर मेरी नैया लगा दो पार। ओम रीम जम्बुदीप रचना मध्य विराजमान सर्व जिन प्रतिमाभ्या मोक्ष प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत फूल चरूवर दीप धूप फल लाया हूँ, तुम चरणों अर्घ चढ़ा करके वह संकट हरने आया हूँ। इस जम्बु दीप की रचना में 243 जिन प्रतिमा, इनकी पूजा भक्ति कर लो, इनकी अतिशाई है महिमा। जम्बु दीप की रचना सा हो, जम्बु द्वीप की रचना साना देखा कहीं नजारा, रोम रोम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा, हाँ नाम तुम्हारा। ओ
ओम ह्रीम जम्बूदीप मद विराजमान सर्वजिन प्रतिमाभ्याः अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शांते आराधी विपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। पारस चैनल के दर्शक भी जम्बूदीप पूजन की जयमाला का आनंद लें, इसके लिए जयमाला का अर्घ्य यहाँ समर्पित किया जाएगा। शांते शांते आराधी पुष्पांजलिं क्षिपेत। और इसके बाद में हाँ 243 अर्घ्य बाद में समर्पित किए जाएंगे। संगीतमय मंगल जयमाला के साथ आप सब प्रारंभ करेंगे अपनी भक्ति को। दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, लेकिन जम्बूदीप की रचना केवल एक है। लेकिन अनेक है दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक है, लेकिन जम्बूद्वीप की रचना केवल एक है, लेकिन जम्बूद्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बूद्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बूद्वीप को नमन। क्षेत्र की जय। जम्बूदीप रचना के लिए आप सब लोगों ने भक्ति की और अब हम जयमाला पढ़ते हैं पूजन की और अर्घ्य चढ़ाया जाएगा। उसके बाद में संपूर्ण चैत्यालयों के लिए अर्घ्य चढ़ेंगे। परम ज्योति परमात्मा सकल विमल चित रूप, जिनवर गण धर साधु गण नमो नमो निज रूप। जय जय सुमेरु गिरि के जिन ग्रह सोले सासत हैं रत्नमय, जय जय जिन मंदिर चारों गज दंत गिरि के स्वर्णमय, जय जय जम्बूतर शालमल के दो मंदिर महिमाशाली, जय जय वक्षार गिरि के भी सोलह जिन ग्रह गरिमाशाली, जय जय 34 विजयारद के 34 जिन मंदिर सुखकारी, जय जय छह कुल पर्वत के भी छह जिन ग्रह भव भव दुख हारी। इस जम्बूद्वीप में 78 अतिशाही जिन मंदिर सुंदर, पति जिन ग्रह में जिन प्रतिमाएं हैं एक एक अतिशय मनहर। मेरु के पांडुक वन में 24 दिशा में 4 शिलाएं, तीर्थंकर के जन्माभिषेक से पावन पूज्य शिलाएं। इस भरत और रावत में होते हैं 24 तीर्थंकर, केवल श्रुत केवल गण धर मुन साधु गण होते क्षेमंकर। उनके कल्याण से पवित्र पृथ्वी पर्वत भी तीर्थ बने, जो उनकी पूजा करते हैं उनके मन वांछित कार्य बने। 32 विदेह के तीर्थंकर सीमंदर युग मंदर स्वामी, बाहु सुबाहु जिन विहर मान केवल ज्ञानी अंतर्यामी। 137 हैं देव भवन इस जम्बूद्वीप की रचना में, इन सब में जिन प्रतिमाएं हैं इन सब को बंधु नित प्रतिमाएं। यहाँ समवसरण छह बने उन्हों की गंध कुटी में जिन प्रतिमा, इन चतुर्मुखी जिन प्रतिमाओं की अतिशाई अद्भुत महिमा। श्री मंदिर युग मंदिर बाहु सुबाहु जिनवर बिहरे हैं, श्री देव श्री बाल चंद्र
भरत रावत के जिनवर हैं। सब 243 प्रतिमा को भक्ति भाव से प्रण मुँह में साक्षात प्रभु का दर्श मिले, यह भाव निरंतर भावों में। सर्व विदेहों में संत तीर्थंकर होते रहते हैं, केवल ज्ञानी चारण रीति मुनिगण वहाँ विचरण करते हैं। आकाश गमन करने वाले ऋषिगण मेरु पर जाते हैं, निज आत्म सुधारस स्वाति भी जिन वंदन कर हर्षाते हैं। मेरु के पांडुक वन में चौविदिशा में चार शिलाएं, भरत रावत हर पूर्वा पर विदेहों के तीर्थंकर जो है। इन तीर्थंकर जन्माभिषेक से पावन पूज शिलाएं हैं, तीर्थंकर प्रतिमा को वंदु सुर वंदित ये प्रतिमाएं हैं। इस जम्बू द्वीप के 78 शाश्वत जिन मंदिर को वंदन, जितने भी कृत्रिम जिन ग्रह उन सबको भी शत शत वंदन। जितने तीर्थंकर हुए यहाँ हो रहे और भी होवेंगे, उन सबको मेरा वंदन है, वे मेरा कलिमल धोवेंगे। आचार्य उपाध्याय साधुगण जो भी इन कर्म भूमियों में जिनमें आत्मा को जाते हैं सुस्थिर होकर निज आत्मा में। वे घात चतुष्टय घात पुनः अरहंत अवस्था पाते हैं, इस कर्म भूमि से ही फिर वे भगवान सिद्ध बन जाते हैं। पंच परम गुरु जिन धर्म जिन वाणी जिन गे जिन प्रतिमा को नित नमो ज्ञान मति धरने। और जो जनाना है ओम रीम जम्बुदीप संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम जिनाले जिन प्रतिमा तीर्थंकर केवल सब सारुभ्या जयमाला पूर्णार्घ मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शानदारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत जम्बुद्वीप की अर्चना करें विघ्न घन चोर, सर्वे मंगल दूर कर भरे शोक भरपूर इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। चलो जम्बुद्वीप के 78 जिन चैत्य चैत्यालयों की जय। जम्बुद्वीप के अंदर विराजमान समस्त 243 जिन मंदिरों की भगवंतों की जय। अभ्यात्माओं अकृत्रिम रचना की प्रतीक जम्बुद्वीप की रचना दुनिया में एकमात्र रचना है जो जैन भूगोल के रूप में साकार हुई है। इसमें 101 फीट ऊंचे सुमेरु पर्वत जो बीचों बीच में निर्मित है उसके अंदर 16 जिनालियों को नमन करते हुए जब जब भी तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक आते हैं तो सुमेरु पर्वत के सबसे ऊपर जाकर और पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक होता है। कई बार आप लोग उन दृश्यों को देखते भी हैं। आज ऐसे जम्बुद्वीप के प्रतिष्ठापना महोत्सव को मनाते हुए 37 वर्ष पूर्व की बातें याद आ रही हैं कि जब यहाँ रक्षा मंत्री पीवी नरसिंहा राव जी आए, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी नारायण दत्त जी तिवारी आए, वासुदेव सिंह जी और हमारे कौन कौन लोग आए थे, सब लोगों ने किसी ने ज्ञान ज्योति की स्थापना की, किसी ने जम्बुद्वीप के उद्घाटन को किया और इन सब के साथ आज जम्बुद्वीप की